आप सबसे पहले तो अच्छे से मीडिया के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे आप लोगों के, तो मैं कुछ कार्यक्रमों में था और फिर बहुत सारे फोन आ रहे थे मुझे मीडिया के मित्रों से, चैनलों से, अखबारों से। तो मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। आपका कुछ प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए उपस्थित हूँ। मनोज जी, गोकुलपुर गांव में जिस घर में सीलिंग आपने तोड़ी थी, उसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर में अवमानना का केस क्यों नहीं दर्ज किया जाए और बुलाया भी गया है कोर्ट के फेस मेरे पे, कहने इसमें भी क्या बहुत कहना? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जनप्रतिनिधि इस तरह से सीट हो रहा है। कानून अपने हाथ देखिए, में मेरा पहले दिन से अस्पष्ट मेरा सोच है कि मैं कानून का एक रखवाला हूँ, मैं कानून निर्माता भी हूँ, और कानून का अक्षरशः पालन हो जनता के, पब्लिक के किसी भी सेक्टर के साथ अन्याय ना हो, कानून का कोई दुरुपयोग ना करे, ये इसके लिए भी हमें सचेत रहना है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए जनता को कोई कानून के दुरुपयोग से तकलीफ दे इसको भी बचाना हमारा काम है और मैं वो कर रहा हूँ। माननीय कोर्ट ने क्या अभी संज्ञान लिया है क्या नहीं लिया है मुझे नहीं पता, जब वो मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से हम उसका जवाब देंगे, हमारी लीगल टीम जवाब देगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं भारत के संविधान के अक्षरशः पालन और रक्षा का शपथ लेकर के सांसद हूँ और मैं इस अधिकार का सदा पालन करूँगा कि संविधान की रक्षा हो, संविधान का पालन हो। जिस केस की बात आप कर रहे हैं उस केस में कानून का दुरुपयोग हुआ है और कानून का दुरुपयोग इस स्तर पर हुआ है कि उसको समझने के बाद लोगों की जमीन खिसक जाएगी। एक गैर कानूनी ढंग से जनता को परेशान करने के लिए एक घर पे सीलिंग लगाई गई थी जो कहा गया कि डेरी है। आप लोग भी देख चुके हैं, आपके भी कैमरे वहां जा चुके हैं। वो एक लाल डोरा का गांव है, लाल डोरा में किसी को भी अपने घर में दो मवेशी रखने का अधिकार है। लोगों को भैंस गाय का पालन करके अपने लिए दूध पीने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कानून के दुरुपयोग करके और जनता को ऐसे अधिकारों से महरूम करेगा तो हम उसके विरोध में खड़े हैं। माननीय कोर्ट का, उनके हर एक रूलिंग का हम सम्मान करते हैं और भारत के संविधान का, कानून का दुरुपयोग ना हो इसके लिए हम खड़े हो गए हैं। पिक एंड चूज का हम विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है। मैंने अब तक कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि भारत की न्याय व्यवस्था हमारे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे न्यायोचित और सर्वप्रिय अच्छी न्याय व्यवस्था है, उसमें हमारा विश्वास है। लेकिन कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पिक एंड चूज कर रहे हैं। कुछ को दिल्ली में जो एक सीलिंग का आतंक मचाया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने नहीं मचाया, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के, कुछ भ्रष्ट लोगों के आचरण ने आतंक मचाया है। हम उस भ्रष्ट आचरण का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार पे और जनता के तकलीफ में मौन है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुझे इस बात का दुख है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी ढंग से जनता पे जो सीलिंग का प्रहार हो रहा है भ्रष्टाचार के तहत, उसका सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस की सरकार 15 साल से दिल्ली में है, इस 15 साल में झूठ बोल बोल करके आज भी अनऑथराइज, एक भी कॉलोनिया ऑथराइज नहीं हुई। मैं कांग्रेस के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं
कि दिल्ली की इस परेशानी का कारण तुम हो और तुम लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे। हमारी पीड़ा यह है कि हम जिस गली में जा रहे हैं लोगों के साथ अन्याय होता हुआ देख रहे हैं, और जहां अन्याय हो रहा है हम उसके साथ खड़े। हम अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय के विरुद्ध हम खड़े होकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की सबकी आंखें खोलने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं दिल्ली की जनता के समक्ष और पूरे देश की जनता के समक्ष, चाहे इसके लिए इस माफियाओं का विरोध करने के लिए, भ्रष्ट लोगों का विरोध करने के लिए मनोज तिवारी को अगर सजा बनती है तो माननीय कोर्ट उसका तय करेगा। हम पिक एंड चूज के खिलाफ हैं, और जो साजिश दिल्ली के साथ अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार कर रही है, कोई व्यक्ति पूछने वाला नहीं है अरविंद केजरीवाल को कि 351 सड़कें क्यों नहीं उसने नोटिफाइड किया। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनियां ऑथराइज क्यों नहीं हुई। 15 साल कांग्रेस, उसके बाद उनके एक चचेरे भाई आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और जनता जैसे ये मान चुकी है कि हम दिल्ली में हैं तो हमें ये सारा अत्याचार बर्दाश्त करना है। वो समय चला गया जब ये अत्याचार दिल्ली की जनता बर्दाश्त करती थी। दोस्तों, हम इसको दिल्ली की जनता पे ये अत्याचार नहीं होने देंगे, इसके लिए हम सामने खड़े हैं। और मैं कोर्ट में अगर मेरा सम्मन होता है तो मैं उस क्षण को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं जाऊं और माननीय रिस्पेक्टेड कोर्ट के समक्ष अपनी वो सारी जानकारियां दूंगा कि ओखला पे क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई। कई ऐसी जगह है जहां लोग दो दो एकड़ चार चार एकड़ के इलीगल फार्म बना के रखे हैं, क्यों नहीं होती उस पर कार्रवाई। ये गरीबों पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है, इसका जवाब हम उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों से मांगा जाए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करना चाहते। मैं बहुत बेचैन हूं, मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं सर। मैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने सारे कार्य छोड़ के आया हूं, और दिल्ली में जिस स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है और पिछले 20 साल से जिस स्तर पे दिल्ली की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं उसका एक एक कड़ी खोल के रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितने बड़े बड़े माफियाओं से लड़ना पड़े, कितने बड़े बड़े अपराधियों से लड़ना पड़े, मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी को इसका डर नहीं है। मैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, पूरी पार्टी का एक एक व्यक्ति हमारे इस अभियान के साथ है, और हम दिल्ली के भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ के रहेंगे। कानून का उल्लंघन करना ना हमने सीखा है ना किसी को हम कहेंगे, लेकिन जहां गैर कानूनी ढंग से काम होगा उसके लिए हम जिस दिन जरूरत पड़ी हम पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर लेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, दिल्ली की जनता को अत्याचार नहीं होने देंगे, ये हमारा व्रत। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।